दिल्ली में स्मॉग से हाय तौबा मची हुई है। हाई कोर्ट से लेकर एनजीटी तक, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को फटकार लगा रही है। डर अब इस बात का लग रहा है कि जो 1992 में लंदन के साथ हुआ, कहीं वो दिल्ली को भी ना झेलना पड़े। डर ये सता रहा है कि लंदन की ही तरह दिल्ली भी स्मॉग की चपेट में ना आ जाए। 1952 के 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच लंदन में स्मॉग का जो कहर बरपा था, उसकी कहानी से भारत जैसे देश को सीखना जरूर चाहिए। या यूं कहें कि भारत की सरकार भी लंदन जैसे किसी घटना के होने का इंतजार तो नहीं कर रही। 5 दिसंबर को लंदन ने स्मॉग की चादर ऐसी ओढ़ी कि देखते ही देखते लंदन में अंधेरा छा गया। इस स्मॉग के लिए लंदन वाले ही जिम्मेदार थे। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए जमकर अंगीठियां जलाई। साथ ही लंदन में उस दौड़ में औद्योगिक क्रांति भी जोर शोर से थी, जिस वजह से कारखानों से भी धुआं जमकर निकल रहा था और उसका कहर ऐसा बरपा कि जिस देश में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वो अंधेरे के आगोश में खो गया। इस स्मॉग से लंदन में 4000 लोगों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े कह रहे थे, लेकिन अखबारों के हवाले से माने तो तकरीबन 12000 लोगों की जान ले ली थी स्मॉग ने। इसे लोगों ने ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन नाम दिया था। उसके बाद से लंदन संभल गया और फिर लंदन ने कभी ऐसी नौबत ही आने नहीं दी। तो अगर दिल्ली की सरकारें ऐसा कुछ होने देना नहीं चाहती है और ना ही जनता कुछ ऐसा चाहती है, तो उसे सरकार के फैसले लेने से पहले अपने घर से कंट्रोल करना होगा पॉल्यूशन पर, जिससे कभी ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन जैसे हालात पैदा ही ना हो। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।